तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो मेरा नाम है नासिर और स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है सिमरानी ऑफिशियल टूएम। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कट ऑफ के रिलेटेड, तो साथ साथ बात करने वाले हैं कि जो सेकंड राउंड होने वाला है बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए, तो उसमें आपको एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो वो कौन सी गलती है वो भी इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर होगी। और साथ ही साथ ये भी बात करने वाला हूँ कि कट ऑफ कितना लो जा सकता है इस साल और कितनी सीट्स अभी भी वैकेंट है, तो क्या आपको अपग्रेडेशन में कोई फ़ायदा मिलेगा, क्या गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सीट मिल सकती है, इस रिलेटेड भी बात करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि इस रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आए चले नोटिस निकाले थे रिगार्डिंग बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए जो सेकंड राउंड होने वाला है, उसके रिलेटेड जो नोटिस आई थी वो 31 दिसंबर तक जो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है। अब जो है एक्सटेंशन मिला है 31 जनवरी तक, तो मीनस एक महीना है अभी भी। अब बात आती है कि जो जब स्टूडेंट्स जाएंगे काउंसलिंग के लिए, तो ये जाहिर सी बात है कि काउंसलिंग जो है ऑफलाइन होगी, लेकिन अब बात आती है कि कब होगी। तो काउंसलिंग जो होगी आपकी सेकंड राउंड की वो होगी 7 जनवरी तक जो है एफ एम पी एच ओ में पी एच डी 10th बेसिक डिप्लोमा जो है उनकी काउंसलिंग होगी 7 जनवरी तक। और उसके बाद उससे पहले भी नोटिस आ सकती है आपके रिलेटेड सेकंड राउंड के रिलेटेड, तो शेड्यूल आ सकता है काउंसलिंग शेड्यूल। उसके बाद सीट मैट्रिक्स आएगा किस कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट है, तो वो शेड्यूल भी आएगा। मीनस 7th से मान के चलो 6th 5th को भी आ सकती है रिगार्डिंग बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल बीएससी टेक्नोलॉजी सेकंड राउंड। तो आप मान के चलो जो भी कॉलेज, बस क्या गलती आपको नहीं करनी है सेकंड राउंड में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जिनके पॉइंट अच्छे भी थे उनको भी कॉलेज नहीं मिला था फर्स्ट राउंड में, तो गलती क्या थी, उन्होंने वो कॉलेज सेलेक्ट किए थे, तो जिनके पॉइंट्स मीनस 50-60 थे उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट किए थे, जिसकी वजह से कट ऑफ जो है उन कॉलेज में ज़्यादा गया, तो उनको कॉलेज नहीं मिला है। तो आपको कुछ ये गलती नहीं करनी है, आपको पहले जो है गवर्नमेंट कॉलेज रखने हैं, उसके बाद रखने हैं प्राइवेट कॉलेज, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं तो आपको रखनी है। आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि पहले फर्स्ट राउंड में जितना कट ऑफ होता है सेकंड राउंड में उतना नहीं होता है, सेकंड राउंड में कट ऑफ जो है डिक्रीज होता है। और साथ साथ ये ध्यान में भी रखना है कि फर्स्ट राउंड में सीट जो है वैकेंट रही है, तो उसी हिसाब से जब सीट मैट्रिक्स आएगी उसी हिसाब से आपको देखना है कि सीट्स कितनी वैकेंट है, उसी हिसाब से आपको प्रेफरेंस भी देनी है जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे बोर्ड पे ऑफिस नगर या बोर्ड पे ऑफिस जम्मू। और आप अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो है 25 तक जो है कट ऑफ डिक्रीज हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। तो अगर सीट वैकेंट रहती है सेकंड राउंड में, देन थर्ड राउंड भी कंफर्म होगा। तो यह भी आप बात भी ध्यान में रखना। तो जिन्होंने फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं किया तो उनको जो है थर्ड राउंड में जा सकते हैं, वो काउंसलिंग के लिए। तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।